कई राज्यों के किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश के किसानों से बात करेंगे, साथ ही कृषि कानूनों को लेकर अपनी बात भी रखेंगे। पिछले 23 दिनों से दिल्ली की अलग अलग बॉर्डर्स पर 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। किसानों का आंदोलन 5 दौर की वार्ता के बावजूद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किसानों से नए कृषि सुधार के कानूनों पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी किसानों से संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी विरोध कर रहे किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये तीनों कानून उनके हित में है। यह ऑनलाइन संवाद इसलिए भी बेहद खास होगा क्योंकि मध्य प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों में इसका सीधा प्रसारण करने की तैयारी की गई है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले कुछ कार्यक्रमों में किसानों को किसी न किसी तरह से आश्वस्त करने की कोशिश जरूर की है। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ ही सरकार ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को राहत राशि बांटने का भी कार्यक्रम रखा है। आज प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के 35 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1600 करोड़ रुपए की मदद भी देंगे। बारिश के कारण जिन किसानों की खरीफ फसलों को नुकसान हुआ है, उनके नुकसान की भरपाई के लिए ये पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर हो जाएगा। ये दिखाता है कि सरकार किसानों को उनका हित समझाने की पूरी कोशिश कर रही है और सबका साथ सबका विकास का संदेश भी दे रही है। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए किसानों को मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने के लिए कहा गया है। एमपी का कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और राजस्व विभाग मिलकर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के सत्र के बाद कहा कि किसान आंदोलन के 20 दिन में 20 किसानों की मौत हुई। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि विपक्ष गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। आज दिल्ली विधानसभा ने तीनों काले कानूनों को खारिज कर दिया और केंद्र सरकार से अपील की है कि वो तुरंत इन तीनों काले कानूनों को वापस ले। हमारे किसान बहुत दिनों से ठंड में रोज रात को सो रहे हैं, देश का किसान मुसीबत में है। 20 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, 20 दिन हुए इस आंदोलन को, रोज एक किसान ऑन एन एवरेज इस संघर्ष में शहीद हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो है और किसानों की शहादत लिए बिना अब तुरंत इन तीनों कानूनों को वापस ले। तो कल कृषि कानून की कॉपियों को फाड़ा अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, और उसके बाद अभी उनका ये कहना कि किसानों की मौत को लेकर जवाबदेही किस। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।